अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बनाएंगे डिज्नी प्रिंसेस केक विद रेड वेलवेट स्पंज एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेजरमेंट करनी है मिल्क की। मिल्क इसमें यूज़ होगा 160 ग्राम्स। ऑयल इसमें यूज़ होगा 160 ग्राम्स। ऑयल आप किसी भी ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग इसमें यूज़ होंगे 4। एग जो है वो आपने रूम टेम्परेचर वाले यूज़ करने हैं। आप फ्रिज में स्टोर किए गए एग आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। इसके बाद हम अपने प्रीमिक्स पाउडर की मेजरमेंट करेंगे। रेड वेलवेट प्रीमिक्स पाउडर इसमें यूज़ होगा 520 ग्राम्स। लास्ट वीडियो में हमने रेड वेलवेट स्पंज जब बेक किया था तो हमने हैंड विस्क के साथ जो है वो स्पंज बेक किया था। आज हम यूज़ करेंगे हैंड बीटर और आपको चेक करवाएंगे इसका हैंड बीटर के साथ जो है वो टेक्स्चर कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिल्क 160 ग्राम्स। ऑयल इसमें यूज़ होगा 160 ग्राम्स। प्री मिक्स पाउडर 520 ग्राम। एग इसमें यूज़ होंगे 4। रेसिपी कार्ड वीडियो के एंड पे मेंशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपने अपने एग को जो है वो बीट करना है अच्छी तरह से कि बहुत अच्छे से फ्लफी से हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो एग हैं वो बहुत अच्छे से बीट हो गए हैं। एग बीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने हैंड विस्क के साथ जो है वो अच्छी तरह से एग और ऑयल के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपने जो है हैंड बीटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। एग और ऑयल वाले मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्रीमिक्स पाउडर। प्रीमिक्स पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। प्रीमिक्स पाउडर और मिल्क आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने एक साथ जो है वो बिल्कुल भी दोनों मिक्सचर ऐड नहीं करने, इससे जो हमारा स्पंज है वो फ्लफ़ी नहीं होगा और अच्छे से बेक नहीं होगा। हमने अपने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हम स्पंज बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट्स के लिए। स्पंज बेक हो जाता है, आपने उसके बाद इसे सॉक करना है कैरमल मिल्क के साथ ताकि जो हमारा स्पंज है वो सॉफ्ट और जूसी रहे और इसमें बहुत अच्छा सा एक कैरमल का टेस्ट आ जाए। स्पंज को अच्छी तरह से सॉक करने के बाद हम अपनी क्रीम रेडी करेंगे, स्ट्रॉबेरी विप क्रीम, जो कि हम लेयरिंग और फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें आपने ऐड करनी है होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। और साथ ही आप इजीली घर में जो है होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से विप करना है। जैसे हमारी क्रीम विप होगी हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, यह ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग पिंक कलर चाहिए था तो मैंने इसमें ऐड किया है एशिया फूड कलर। मैंने यहाँ पे लिक्विड फूड कलर यूज़ किया है। आप बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको
बेकिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं व कार बेकिंग टूल से। अगर आप शॉप विजिट करना चाहते हैं जो कि लोकेटेड है गुलबर्ग आर्केड प्लाजा मेन मार्केट G2 में, तो आप शॉप भी विजिट कर सकते हैं और इसके साथ आप इनका FB ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप जो है वीडियो के एंड पे मेंशन कर दिया जाएगा। आप इनका ग्रुप ज्वाइन करके इनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईजिली जो है अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवा सकते हैं। आपको 1 से 2 डेज़ में जो आपका पार्सल जो है वो रिसीव हो जाएगा।